नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि अब मैं अनअकैडमी प्लस कोर्सेज में भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इसमें आप लोगों को मेरे अलावा 30 से ज़्यादा एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। लाइव क्लासेस में चल रही हैं दोस्तों, और वीकली क्विजेस भी इसमें होते हैं, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी हमने रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें अगर आप लोग अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पहले से यूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टीचिंग एग्जाम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को जाना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको रिफरल कोड मांगेगा, तो रिफरल कोड में आप सुनील जोशी जी यूज कीजिएगा और आपको 10% ऑफ चलेगा, ऑफ मिलेगा। ठीक है, जैसे दोस्तों अभी जो प्राइस चल रहा है इस TET सब्सक्रिप्शन का, 1000 रुपये पर मंथ, 750 रुपये पर मंथ और 500 रुपये पर मंथ। ठीक है, जो क्रमशः 1 महीने, 6 महीने और 12 महीनों के लिए है, तो आप इसमें भी 10% ऑफ पा लेंगे। जो अभी प्राइस आपको दिख रहे हैं उसके भी 10% कम हो जाएंगे। जैसे अगर आप 1000 रुपये महीने का लेते हैं तो 900 रुपये 1 महीने का आप लोगों को पड़ेगा। ठीक है, मेरे कोड से। और आपका जो कॉइन्स होते हैं आप लोगों के वहाँ पर, वो भी आप यूज कर सकते हैं, तो 20% ऑफ आपको मिल जाता है। तो ये जो प्राइस है दोस्तों, किसी भी कोचिंग सेंटर से आप देख लीजिए तो काफ़ी कम कोचिंग सेंटर के प्राइस से आपको कम में मिल रहा है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो मैं अभी आप लोगों को और बताऊंगा। एक तो बहुत बड़ा बेनिफिट यही है कि इंडिया के टॉप में जो यूट्यूबर हैं वो भी आपके इस अनअकैडमी प्लस में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टॉप मोस्ट जो एजुकेटर हैं वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं दोस्तों। ठीक है, आपको केवल एक बार ये फी देनी है, और आपके टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे सीटेट और टेट। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो वीकली और मंथली एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज होंगी। ठीक है, और सीटेट क्रैक करने का ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया चांस है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे 2017 पेपर ही नहीं हुआ था, 18 में केवल एक बार हुआ था, आने वाले सालों में भी सीटेट जो है एक ही साल में एक बार कंडक्ट किया जाए। ठीक है, और आपको ऐड फ्री लेसन्स मिलेंगे। जैसे यूट्यूब में देखा हो कि अक्सर ऐड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, तो ये डिस्ट्रैक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइव क्लासेस में ऐड फ्री होती हैं। ठीक है, और आपके जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है आपका लर्नर्स का और एजुकेटर्स का, जो किसी भी मेथड में, पर्टिकुलरली कहते हैं कि टीचिंग मेथड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर और लर्नर्स का एक तरह से इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, तो वो यहाँ पर होता है लाइव। आप जैसे शिक्षक पढ़ाता है आपको क्लासेस, जैसे आपने पढ़ी है वैसे ही सेम क्लासेस आपको यहाँ पर एजुकेटर पढ़ाते हैं, और आप उनसे डाउट अपने क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं हर सेशन के बाद, कुछ सेशन 3 सेशन के बाद जो है डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखे गए हैं। ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, और ई बुक, स्टडी मटेरियल और जो भी अवेलेबल क्लासेस हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक क्लास मिस कर दी आज, तो वो ऐसा नहीं है कि वो मिस होगी तो आप नहीं देख पाएंगे, आपके पास पूरा वो डेटा रहेगा आपकी ऐप में। ठीक है, और आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एजुकेटर का जो भी उसने पढ़ाया है, तो एक तरह से काफ़ी अच्छा आपके लिए ये बेनिफिट है। तो अनअकैडमी प्लस कोर्स को ज़रूर आप, तो आज हम फिर से वनलाइनर्स जो अपने पढ़ रहे हैं आजकल उसको शुरू करते हैं, जिसमें 20 वनलाइनर हम कंप्लीट कर चुके थे, अब 21वें से स्टार्ट करते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड का होता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये कथन है स्टैनले हॉल का, और ये डेफिनेशन काफ़ी पूछी जाती है दोस्तों, तो आप लोगों को ये अच्छे से याद करनी है, समझनी है। ठीक है, कि जो एडोलेसेंस की एज है वो बहुत ही संघर्ष की है, तनाव की है, तूफान की और विरोध की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है, विकास की अवस्थाएँ जो हैं, 4 अवस्थाएँ विकास की बताई हैं पियाजे ने। जो पहली है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर। ठीक है, फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स, थर्ड स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स, एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अबव 11। ठीक है,
फिर है दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं बहुलक। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्किनर ने, और प्रयोग किया था उन्होंने चूहे पर। और ये क्वेश्चन भी आता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी इसे कहा जाता है, जो स्किनर द्वारा दी गई थी। शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत, इसमें उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, जो दिया था पावलोव के द्वारा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग किया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। सूच का सिद्धांत वनमानुष या बंदर पर प्रयोग किया गया था, कोहलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने थे? पियाजे संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन हेतु, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया या थ्योरी दी उसके लिए फेमस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। थर्ड नेक्स्ट है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने, कॉन्सेप्ट दिया था बिने साइमन ने, फॉर्मूला दिया था स्टर्न ने। अधिगम के दो मुख्य नियम है, सॉरी तीन मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो सिद्धांत सबसे पहले अल्बर्ट बंडूरा ने ही दिया था ये सिद्धांत। ठीक है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन अनुकूलन सिद्धांत को कहा जाता है अनुक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इस तरह से दोस्तों 35 वन लाइनर्स हम आज कंप्लीट कर चुके हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। कोई सजेशन हो, आगे कोई नया टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप भेजिएगा मुझसे, कमेंट्स में कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी, देन यू वुड बी क्वालिफाइड।